हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इन्फॉर्मेशन ट्रेन से रिलेटेड न्यूज़ आई है। कौन सी कंपनियों की ट्रेन चलेंगी और कब चलेंगी और क्या क्या है प्राइवेट ट्रेनों में खास, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं न्यूज़ की, भारतीय रेलवे के प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ सामने आई हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे द्वारा निजी रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए ऐलान के बाद बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ खास दिलचस्पी दिखा रही है। रेलवे की ओर से ये बुलाई गई प्री बिड मीटिंग में 16 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार की 3 PSU कंपनियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और ऑस्ट्रेलिया फर्म ने भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने भी इसमें हिस्सा लिया। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां शामिल थी। तो सूत्रों का कहना है कि पहली प्री बिड मीटिंग में 3 PSU, IRCTC, भेल, रीट्स शामिल हुए और इसके अलावा भारतीय फॉग और ब्रॉमब्राइडर इंडिया, GMR ग्रुप, गेटवे रेल के बाद वेदांता, मेदा और CAF भी कंपनियां शामिल हुए। टाटा सन्स, अडानी, इंडिगो, स्पाइस जेट और मेक माई ट्रिप, ये सारी कंपनियां शामिल हुई, ये चर्चा में है फ्रेंड्स। लेकिन बिडिंग प्रक्रिया से पहले पायदान पर ये कंपनियां भी शामिल नहीं थी, पहले पायदान पे शामिल नहीं थी, मतलब क्या है, लेकिन अभी जो बिडिंग हुई है अभी शामिल हुई है। और आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट की अगली प्री बिडिंग मीटिंग 7 अगस्त को होगी। ये डेट भी आपको बता दें फ्रेंड्स। और कई लोगों की तरफ से ये सुनने में आ रहा था, कई बार न्यूज़ में मैंने भी सुना है कि ट्रेनों की संख्या, जो प्राइवेट ट्रेन चलेंगी उन ट्रेनों की संख्या होंगी कितनी। कोई कह रहा है कि 109 होंगी। मैंने भी पिछली वीडियोस में बनाई है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो, अगर नहीं करा है तो कर दीजिएगा। उसमें ट्रेनों की संख्या कभी बताई जा रही है न्यूज़ में कि 109 ट्रेनें चलेंगी, कभी बताई जा रही है 151 ट्रेनें चलेंगी। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कितनी ट्रेनें एक्चुअल में चलेंगी। तो एक्चुअल में जो ट्रेनें चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें, वो कितनी चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी फ्रेंड, 151 चलेंगी और वो 109 रूट पे चलेंगी, 109 रूट है। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी की पूरी न्यूज़, कंपनियों की कुछ जो सूत्रों के हवाले से कुछ कंपनियों की नेम आ रहे हैं, वो कंपनियों के नेम भी मैंने आपको बताए कि इन कंपनियों द्वारा बिडिंग में हिस्सा लिया जा रहा है। दैट मीन्स अगर बिडिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो इन्हीं में से किसी एक कंपनी या इन्हीं में से कुछ कंपनियों की ट्रेनें चलेंगी और कब तक चलेंगी ये भी मैंने बता रखा है। ये रेलवे ने भी क्लियर कर रखा है, क्योंकि पहले न्यूज़ आ रही थी, बहुत बार न्यूज़ आ रही थी कि अब चलेंगी, न्यूज़ में आ रहा था कि 2024 में ट्रेनें चलेंगी। तो 2024 में नहीं, रेलवे ने इसको खारिज करते हुए बोला है कि जो प्राइवेट ट्रेन चलाने की जो मियाद है, जो समय है, वो समय अप्रैल 2023 तक कोशिश रहेगी रेलवे की। रेलवे के चेयरमैन वीके यादव द्वारा ये बयान दिया गया है कि ये कोशिश रहेगी कि रेलवे प्राइवेट ट्रेनों को चलाए अप्रैल 2023 तक। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी न्यूज़।